गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखी जाती है मैं आपको इससे बताती हूँ। एडवर्टीजमेंट मतलब किसी भी चीज़ की आपको ऐड करनी है, आपको अपना मोबाइल बेचना है, अपनी कार बेचनी है, किसी का क्या बोलते हैं कोई ऐड करनी है कि इसके साथ ये चीज़ फ्री मिल रही है, किसी भी चीज़ की आपको एडवर्टाइज़ करना है। एडवर्टाइज़ हम क्यों करेंगे, कोई चीज़ बेचेंगे तभी, या अपनी शॉप की एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो वो हम उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो इसमें बनता है बॉक्स, ठीक है, ऊपर एक अट्रैक्टिव सा हेडिंग जिसे पढ़ के लोग अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे इसमें लिखा है स्कूटर की है, तो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द फाइनेस्ट स्कूटर, ये अच्छा सा अट्रैक्टिव सा आपको हेडिंग डालना है। नाउ डोंट जस्ट ड्रीम, ड्राइव योर ओन इंडिगा, कार के बारे में लिखा है। एक मतलब शॉर्ट सी लाइन जो लोगों को अट्रैक्ट करे वो लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हीरो चेतक बाइक का नाम है, उन्होंने लिख दिया। उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखने हैं हमें, पॉइंट्स की इसकी क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं। जिस बाइक में जो भी लिखते हो उसमें लिखा है, मेटल की बॉडी है, हेडलाइट अच्छी है, 125 सीसी है, माइलेज अच्छी है, अलॉय व्हील है, ठीक है। अभी हम चप्पल भेज रहे हैं, इसमें चप्पल की एडवर्टीजमेंट है, तो इन्होंने हेडिंग लिखा पहले कि इंडिया नंबर वन चप्पल ब्रांड सेलेक्सो, वैसे तो रिलैक्सो होता है, इसमें सेलेक्सो है। उसके बाद इसके टेक्सचर के बारे में बताया कि लो प्राइस है, ड्यूरेबल है, उसके पॉइंट्स बना के आपको लिखना है, साइड में एक अच्छी सी पिक्चर बनानी है। तो इसका फॉर्मेट समझ आया बच्चों आपको, एक बॉक्स ऊपर अट्रैक्टिव सा हेडिंग बोल्ड के अंदर, उसके साइड पे अच्छी सी पिक्चर्स और उसमें पॉइंट्स, और एंड में आप ये भी डाल सकते हो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे इसमें डाली हुई हैं कॉन्टैक्ट टुडे और एड्रेस डाला हुआ है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, पिक्चर है, बॉक्स है, ये चार चीज़ें कंपलसरी हैं, ठीक है। हरी अप, ऐसे ऐसे आप अच्छे एक्साइटमेंट वर्ड्स डाल सकते हो जिससे लोग अट्रैक्ट हों। ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 दिन दूंगी, आप करके बताना।